असलमान आई होप यू ऑल गर्ल्स आज की वीडियो में आई वॉन्ट टू टॉक टू यू गा इज अबाउट सन ब्लॉग्स ऐसे सन ब्लॉग जो मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं और दो हजार रुपये से नीचे नीचे हैं यानी इससे ऊपर कोई भी मन इंक्लूड नहीं किया। हम सबको अब तक पता चल ही चुका है कि सन ब्लॉग्स आर रियली रियली इम्पोर्टेंट इफ़ यू गोइंग आउट ड्राइव करें हैं वैसे भाईचारे मौसम बहुत अच्छा है रेनी है जैसा मर्जी मौसम है इवन इफ़ यू आर स्टेइंग एट होम अगर आप अपने घर में भी हो तब भी सन ब्लॉक्स आर रियली रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर गोइंग टू सेव योर स्किन फ्रॉम अ लॉर्ड ऑफ हार्मफुल सन डैमेजिंग रेज जिससे आपकी स्किन जो है वो इन द लॉन्ग टर्म इफेक्ट होती है सो ऑल अबाउट सन ब्लॉक्स स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ अच्छा जी दीज आर ए फ्यू काइंड ऑफ एस पी एफ अवेलेबल इन द मार्केट ठीक है इसमें पाँच मेरे पास मेन जो हमारे सन uh, ब्लॉग्स होते हैं वो हैं इसके अलावा वी हैवन फाउंडेशन फॉर्म वी हैवन पाउडर फॉर्म प्लस मॉइस्चुराइज़र की फॉर्म में भी हमारे पास अवेलेबल हैं सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द मोस्ट फेमस वन जो कि आजकल जो है ना वो ये ऑर्गेनिक ट्रेवलर्स का बहुत बहुत ज़्यादा लाइक रेंज में है इंस्टा uh, जब अभी खोलते हैं तो जितने भी सबसे पहले मैं इसके बारे में बात करूंगी ऑर्गेनिक ट्रैवलर की बॉटल कुछ इस तरह की लगती है, और ये जेल uh, like फॉर्मूला आपको मिलता है और uh, इसका फॉर्मूला मैं आप लोगों को चेक देती हूँ आप देख सकते हैं कि ये जेल की तरह से है और ये आपकी स्किन uh, जो है ना उसमें uh, absorb हो जाता है right away. Uh, इसके अलावा बहुत स्लिपरी सी इसकी एक फील है अगर आपकी ऑयली स्किन है तो दिस काइंड ऑफ फार्मूला इज़ नॉट गोना वर्क ऑन योर स्किन अगर आपकी ऑयली स्किन है तो उसके तो तो लिए दूसरा फार्मूला होता है जो कि मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी जो ये ऑर्गेनिक ट्रेवलर है दिस इसके ऊपर तो लिखा तो ये होता है कि ये ऑयली और प्रोन स्किन के लिए है क्योंकि प्रॉबर्ली इसके अंदर कम केमिकल्स होंगे लेकिन अगर आपकी ऑयली स्किन है तो दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू बट इफ यू हैव अ ड्राई स्किन देन दिस इज गोइंग टू वर्क रियली रियली वेल फॉर यू तो उसके लिहाज से ये बहुत अच्छा रहता है आपने अपनी स्किन टोन का भी देखना होता है कि यू you नो know, आपकी स्किन किस तरह की कॉम्बिनेशन है आ, या फिर जो है वो ऑयली है या ड्राई है या सुपर ड्राई है अगर आपकी सुपर ड्राई है तो नीचे आपको मॉइस्चराइजर लगाने की भी जरूरत पड़ती है लेकिन ये आ, इसका फॉमूला मैंने आप लोगों को चेक करा दिया दिस इज़ लाइक ए जेल बेस्ड फॉर्मूला अच्छा इससे मिलता जुलता बिल्कुल सेम टू सेम ठीक है अगर हम ड्राई स्किन की बात कर रहे हैं सेम टू सेम फार्मूला जो है ना वो ये दूसरा एस पी एफ है दिस इज ए मेडिकेटेड एस पी एफ ठीक है अगर आप किसी फार्मेसी वगैरह पे जाओगे स्पेशली यहाँ पे एक ये मुझे रिकमेंड किया था किसी एक डर्माटोलॉजिस्ट ने तो ये उनकी फार्मेसी से मैंने लिया था इसके और इसके फार्मूला में देर इज नो डिफरेंस एट ऑल इसकी और इसकी जो सेंट है वो भी बिल्कुल सेम है जो कि बहुत ओवर पावरिंग नहीं है लेकिन इसका और इसका इतना सिमिलर है कि ऐसे लगता है कि जैसे इन्होंने सेम एक जो फैक्ट्री है या सेम जो कोई आउटलेट है ना वहाँ से बनवाया हुआ है डॉक्टर लेकिन डॉक्टर को मैंने बताया था कि आई हैव ऑयली स्टिल उन्होंने इज नॉट गोइंग टू वर्क ऑन योर फेस बिकॉज आपको वो ही इसके ऊपर कोई भी प्रोडक्ट भी लगा लो ना तो दैट इज गोइंग टू मूव अराउंड यानी फाउंडेशन अगर आप लगाओगे तो वो सेट नहीं होगी या आप देख सकते हो दिस इज लाइक नॉट एब्जॉर्बिंग इंटोमाइसिन हम जितना मर्जी मैं टाइम ले लूँ लेकिन ये एबजॉर्ब नहीं होगा तो so, इसकी और इसकी लुक फील सेंट और इसकी जो कवरेज दे आर लाइक मोर लेस सिमिलर इनके प्राइस पॉइंट इज ऑल्सो सिमिलर सो येस दिस इज रिकमेंडेड टू पीपल हु हैव एक्सट्रीमली ड्राई स्किन अगर आप और um, इसकी जो प्राइस रेंज है वो कुछ फिफ्टीन हंड्रेड से लेकर सेवनटीन हंड्रेड तक है तो इफ़ यू आर कॉलेज या यूनिवर्सिटी गोइंग एंड यू हैव एक्सट्रीमली ड्राई स्किन यू कैन ट्राई दिस ठीक है मूविंग दिस आउट ऑफ माई वे अब हम बात कर लेते हैं ऑयली स्किन वालों के लिए ठीक है तो आई हैव अ फ्यू रिकमेंडेशन जो कि ऑयली स्किन के लिए मैंने ट्राई की थी ओवर द ईयर्स एंड जो कि मुझे काफी अच्छी लगी थी सो दीज आर थ्री ऑप्शन जिसके बारे में बात करूंगी अच्छा ये तीन जो है कि मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है और दिस इज लाइक वेरी वेरी कॉम्पैक्ट सी वेरी नाइस एंड क्यूट सी आ, इसके अलावा इसका जो है वो हाँ वाइट कास्ट के बारे में मैं आप लोगों को बता दू इन दोनों का वाइट कास्ट नहीं है बट दिस फॉर्मलाइज फॉर ऑयली स्किन टाइप कवरेज आपको बहुत अच्छी देता है अगर आपकी ऑयली स्किन है आप इसको लगा के इसके ऊपर मेकअप भी कर लें तो दैट इज गोइंग टू स्टे वन थिंग दैट आई फाउंड अबाउट इट वॉज मेरी स्किन को ना सुपर लाइक आई डोंट नो स्किन का जो टेक्सचर है ना उसको इनहस कर रहा था ये सो so, मैंने uh, एक हफ्ता यूज़ किया उसके बाद मेरी स्किन का टेक्सचर बहुत अजीब सा होना शुरू हो गया था जिसकी वजह से मैंने इसको डिसकन्टिन्यू कर दिया यूज़ करना अब इसका जो है यू हैव टू लाइक शेक इट ये लोशन की फॉर्म में आता है ठीक है और जब मैं इसको खोलूँगी तो ये कुछ इस तरह से है. ये लोशन की फॉर्म में है ठीक है और ये आपकी स्किन में ऐसे एब्जॉर्ब हो जाता है इसकी कास्ट नहीं है और इसकी जो सेंट है वो भी इसमें बहुत माइल्ड सी सेंट है और ये इन सब में जो है वो एक चीप ऑप्शन है प्लस इजीली अवेलेबल ऑप्शन है यानी अगर आप मार्केट में जाके सन प्ले स्किन एक्वा का फाउंड फाउंडेशन नहीं एस बोलोगे तो वो आपको आराम से मिल जाएगा सो येस दिस इज अवेलेबल टू प्लस द कवरेज इज नाइस दिस इज गोइंग टू लास्ट यू फॉर लाइक टू टू मंथ्स आई गेस अगर आप इसको डेली यूज करते हो क्योंकि एस पी एफ को यूज करने का भी एक सर्टन तरीका होता है यू हैव टू डू दैट थ्री फिंगर रूल यानी तीन uh, उंगलियों पर आपने इस तरह जो है वो क्रीम अप्लाई करनी होती है ठीक है और फर्स्ट uh, रिकमेंडेशन लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा सूट नहीं किया था लेकिन दिस इज अगेन रिकमेंडेड फॉर पीपल हु हैव एक्सट्रीमली ऑयली स्किन और उसके ऊपर उन्होंने मेकअप भी करना होता है या फिर अगर आप इसको वैसे भी अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई कर लो तो थोड़ा सा एक वो टेंटेड सा इफेक्ट आता है सो सेकेंड प्रोडक्ट दैट इज रिकमेंडेड फ्रॉम मी टू यू इज दिसजी ठीक है ये एक Instagram पेज जो है उसके ऊपर ये एक डॉक्टर है बेसिकली उनका ये एसपीएफ है और इसका फार्मूला आई रियली रियली लाइक

तो बहुत ही खूबसूरत सा एक ग्लो आपको स्किन के ऊपर आ जाता है फॉर एग्जाम्पल इसका जो पम्प है ना दैट इज़ रियली रियली गुड मतलब इसकी लुक एंड फील इज़ रियली नाइस ये इसका प्रोडक्ट है इसको जब मैं ऑब्जॉप करूंगी अपनी स्किन के ऊपर तो इट सीप्स इन टू माई पोर्स राइट अवे कोई वाइट कास्ट नहीं होता है इसका और इसके ऊपर मेकअप बहुत खूबसूरती से अप्लाई हो जाता है ये गर्मियों के लिए बहुत अच्छा है बहुत ज़बरदस्त है सर्दियों के लिए भी गर्मियों के लिए भी ड्राई स्किन वाले भी इसको यूज़ कर सकते हैं नीचे मॉइस्चराइज़र अप्लाई करके उसके ऊपर आप ये अप्लाई कर लो उसके ऊपर आप जो है वो मेकअप अप्लाई कर लो तो दिस इज गोइंग टू स्टे बहुत दिस इज गोइंग टू वर्क रियली नाइसली वन थिंग अबाउट एस पी एफ इज दैट यू हैव टू री अप्प्लाई दैम ठीक है इसको आप मेकअप uh, uh, के ऊपर भी री अप्लाई कर सकते हो जिते जितने भी एस पी एफ में आपको दिखा रही हूँ उन सबको आपने रीअप्लाई करना होता है मेकअप के ऊपर आप कर सकते हो इसके ऊपर काफी ट्यूटोरियल्स पड़े हुए हैं तो आप वो देख सकते हो कि कैसे इसको जो है वो ऊपर uh, हम करेंगे मेकअप uh, के ऊपर अप्लाई करेंगे सो दिस इज ऑल्सो लाइक इन द प्राइस रेंज ऑफ फिफ्टीन हंड्रेड टू सेवेंटीन हंड्रेड रुपीज़ ये एक इंस्टाग्राम पेज है मैंने आप लोगों को बताया तो वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं हैं द दमूला एंड एवरी थिंग इज रियली रियली नाइस आई रियली पर्सनली लव दिस वन मुझे ये बहुत अच्छा लगा है सो अनदर वेरी कॉमनली अवेलेबल एस पी एफ इन द मार्केट इज वसे या वंशे आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट नीचे मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा ठीक है अच्छा ये वेंसे का ये भी आपको हर किसी जो एक फार्मेसी uh, या फिर कोई भी स्टोर है ड्रग स्टोर है तो so, ये बहुत ईजीली अवेलेबल है ये मैंने बहुत अर्सा यूज किया है ये मेरी सेकेंड थर्ड बॉटल थी इसमें आप लोगों को एस पी एफ जो है वो फिफ्टी uh, मिलता है और इसके अलावा इसमें यू वी ए और बी प्रोटेक्टर्स शामिल हैं ठीक है आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं दोनों रेस से और इसका भी कोई वाइट कास्ट नहीं है जब आप इसको अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करते हो तो एक बड़ी मजेदार सी ग्लो देता है पहले जो इनका फॉर्मूला था दैट वॉज रियली रियली ब्यूटिफुल वॉज वर्किंग ऑन ऑयली स्किन टाइप बट दिस फॉमूला जब इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया इसको तो ये आई थिंक दिस इज मोर फॉर द ड्राई स्किन पीपल बट ऑयली स्किन पीपल कैन ऑल्सो यूज इट टू ठीक है अब ये इस, इसका पम्प जो है वो कुछ इस तरह का होता है अगेन इसकी प्राइवेट रेंज वही है ट्वेल्थ हंड्रेड टू फोरटीन हंड्रेड रुपीस ठीक है और ये कुछ ऐसा है क्रीम या लोशन की फॉर्म में ठीक है सो इसको जब मैं अब्जॉर्ब करूंगी अपनी स्किन में तो यू कैन सी दैट इट्स सीव्स इन टू माई स्किन राइट अवे एंड ये मेकअप के ऊपर भी बहुत खूबसूरती से काम करता है क्योंकि यही जो बेसिक चेक पॉइंट्स होते हैं वो यही होते हैं कि ऊपर मेकअप अच्छे तरीके से हो जाए या फिर यू you नो know, इसके ऊपर आप खाली फेस पाउडर भी अप्लाई कर लो तो वो भी काफ़ी अच्छा रहता है अच्छा टॉकिंग अबाउट फेस पाउडर्स एक बहुत सारी मार्केट में ऐसे फेस पाउडर्स अवेलेबल हैं जिनके अंदर एस अवेलेबल होता है यानी कि उसमें एड होता है एस ठीक है आई थिंक वो मिनरल फाउंडेशन होती हैं समथिंग लाइक like दैट बट इसके नीचे आप लोगों को जो है वो अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती फाउंडेशन वगैरह आप इसको डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हो तो दिस वर्क ब्यूटिफुल लेकिन इसमें एस पी है नंबर वन एस पी इज़ नॉट इनफ फॉर दिस रिजन यानी कि जो हम दुनिया के जिस पार्ट में रहते हैं वहाँ पर एस पी डज नॉट वर्क इट डज नॉट डू एनी थिंग लेकिन इसके साथ साथ आप इसको सो दिस लाइक आप इसको ऐसे यूज कर सकते हो लेकिन इसमें जो एस पी एफ शामिल है ना दैट डज नॉट वर्क यानी जो uh, ये फाउंडेशन पाउडर्स uh, जो क्लेम करते हैं कि uh, इसके अंदर एस पी एफ शामिल है तो वो Uh, काम नहीं करता सो डोंट गेट फोल्ड अबाउट इट बिकॉज जो एस पी एफ है वो आपको अलग से अप्लाई करना ही पड़ता है ना तो वो फाउंडेशन फॉर्म में आपको सही रहेगा ना ही वो पाउडर फॉर्म में आपको ठीक रहेगा टॉकिंग अबाउट फाउंडेशन बहुत सारी ऐसी फाउंडेशन होती हैं या बीबी क्रीम्स होती हैं जिसके अंदर एस पी एफ ऑलरेडी एडेड होता है ठीक है अब ये वाली सुपर बीबी क्रीम है मे बी लीन की ठीक है इसके अंदर आप लोगों को इन्होंने you know, लिखा हुआ है कि एस पी एफ फिफ्टी शामिल है लेकिन डू यू थिंक दैट दिस इज़ ए क्योंकि जो बीबी -बी क्रीम हम यूज़ करते हैं हम उसको बिल्कुल एक स्मॉल डॉट यूज़ करते हैं फॉर एग्जाम्पल इस तरह से लाइक like मैं जितनी यूज़ करती हूँ वो ये है ठीक है दिस अमाउंट ऑफ बीबी क्रीम आई यूज़ ऑन माई फेस बट डू यू थिंक दिस इज इनफ फॉर योर फेस लाइक फॉर एस पी एफ या कवरेज के परस्पेक्टिव से क्या ये ठीक है ऑफ कोर्स नॉट ये ठीक नहीं है सो so, आपने क्या करना है कि बेशक इसके अंदर एस पी एफ फिफ्टी है किसी भी फाउंडेशन के अंदर एस पी एफ ऑलरेडी एडेड है लेकिन फिर भी यू हैव टू पेयर इट विद ए नाइस एस पी एफ सो दैट यू नो आपकी स्किन कम्प्लीटली प्रोटेक्टेड रहे अदरवाइज क्या होगा कि आप यही सोचते रहेंगे कि मैं तो लगा रही हूँ बीबी क्रीम उसमें एस पी एफ एडेड है लेकिन इट इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू एनी बेनिफिट्स ऑफ द सन प्रोटेक्टर सो यू नो यू हैव टू अपलाई टॉपिकली हाँ ये हो सकता है कि पहले आप ये अप्लाई कर लो उसके ऊपर आप ये अप्लाई कर लो उसके ऊपर आप ये अप्लाई कर लो तो एम, इसका जो कॉम्बिनेशन है ना तीन चीज़ों का तो ये ज़बरदस्त हो जाएगा अच्छा टॉकिंग अबाउट अनदर कॉम्बिनेशन ठीक है बहुत सारे ऐसे मॉइस्चराइजर भी होते हैं ये डरमीव का मॉइस्चराइजर है ठीक है इसके अंदर भी एस पी एफ ट्वेंटी शामिल है सही है तो अगर आप मॉइस्चराइजर के तौर पे लगा रहे हैं तो भी आप जो एस पी एफ इसको कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि नंबर वन एस पी एफ ट्वेंटी इज़ नॉट अन ऑफ नंबर टू इसके अंदर मॉइस्चराइज़र एडिड है तो इसके जो सन uh, प्रोटेक्शन है ना वो डाइल्यूट हो जाती है लेकिन आपने इसको डायल्यूट ऑबियसली नहीं करना क्योंकि हमारे यहाँ पे सूरज की शुवाएं हर वेरी वेरी शार्प तो वी हैव टू लाइक गिव और स्किन प्रॉपर ट्रीटमेंट तो हम क्या कर सकते हैं जो मॉइस्चराइज़र है ना ये ऑयली स्किन के लिए है सो so इट it... looks like this this is again a very nice moisturizer बहुत खूबसूरत बहुत प्यारी स्किन कर देता है वेरी नाइस nice, नरम मुलायम जबरदस्त स्किन कर देता है ठीक है तो ये है आ, आप जो ऑयली स्किन वाले हैं ना वो Uh, वो तो नहीं लेकिन जो ड्राई स्किन वाले ना वो इसको यूज़ करेंगे लेकिन ये इत, इ, मतलब इतना है कि ऑयली स्किन वाले भी इसको यूज़ कर सकते हैं बिकॉज मेरी ऑयली स्किन है लेकिन मैं इसको यूज़ करती हूँ मैंने बेसिकली ये मंगवाया था रात के टाइम यूज़ करने के लिए लेकिन आपको आ, आप रात के टाइम जो है वो एस वाली प्रोडक्ट्स यूज नहीं करेंगे ठीक है एक ये हो गया नंबर टू मॉइस्चराइजर जो है ना वो ये हो गया ठीक है दिस इज़ सनी डर्म का मॉइस्चराइज़र ठीक है और ये तो है बिल्कुल ऑयली स्किन वालों के लिए ठीक है तो ये इसकी जो है ना वो कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की है और ये देखें इसको थोड़ा सा स्किन में अब्जॉर्ब होने के लिए इसको थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन यू कैन सी इट हैज़ अब्जॉर्ब इन टू माई स्किन रियली ब्यूटिफुली एंड बहुत खूबसूरत सी एक ग्लो दे देता है ठीक है अच्छा अब आपने क्या करना है कि अगर आपकी ड्राई uh, स्किन है तो पहले आप ये अप्लाई करोगे उसके ऊपर आप ये अप्लाई करोगे आपका एस पी एफ मतलब स्टेप नंबर वन इज मॉइस्चराइजर स्टेप नंबर टू इज सन ब्लॉक्स स्टेप नंबर थ्री इज योर फाउंडेशन और बीबी क्रीम स्टेप नंबर फोर इज योर फेस पाउडर सही है, ये इस ऑर्डर में जाएगा ठीक है और अगर आपकी बहुत वो ऑयली स्किन है तो फिर आप ये वाला यूज़ कर सकते हो दिस इज ऑल्सो रियली नाइस स्टेप नंबर वन मॉइस्चराइजिंग क्रीम स्टेप नंबर टू आपका जो भी आ, जो आप सनस्क्रीन यूज करते हो वो स्टेप नंबर थ्री जो है वो आपकी आ जाएगी बीबी क्रीम स्टेप नंबर फोर आपका आ जाएगा फेस पाउडर सो दिस वॉज इट आई होप यू गाइज फाउंड दिस वीडियो यूजफुल अगर आप लोगों के पास कोई टिप्स एंड ट्रिक्स हैं अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्राम दो यू नो बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ सन तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा और इसके अलावा कोई वीडियो रिकमेंडेशन हो तो वो भी मुझे ज़रूर दीजिएगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बहुत सारा ख्याल रखें टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़